हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें मैं एक इंटर्नशिप का रिपोर्ट लेके आया हूँ GTU सेमेस्टर 8 का। अब ये रिपोर्ट मैंने कल भी दिखाई थी, बट कल हुआ क्या था कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने नीचे ये सवाल किया था कि GTU के अंदर तो कहाँ इस तरह का रिपोर्ट बनाना है, GTU के अंदर तो डिफरेंट रिपोर्ट बनाना है। तो इसका आंसर यही रहेगा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए ट्राई किया है कि आपको लिखना कितना है और आपको किस तरह से लिखना है। मैंने आपको ये रिपोर्ट कॉपी करके इसमें एडिट करने के लिए नहीं दिखाई थी। तो मैं सबसे पहले समझाना चाहता हूँ कि आपका फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज है, वो GTU की जो ये गाइडलाइन वाली PDF है उसमें अच्छे से मेंशन है कि आपको इसी तरह से ये देखिए, आपको इसी तरह से यहाँ पे ऊपर नाम लिखना होगा, प्रोजेक्ट का रिपोर्ट लिखना होगा, यहाँ पे आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, वो सब कुछ लिखना है, ना कि आपको जो ये वाला सैंपल है इसमें से। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, आप नीचे चले जाइए तो ये सर्टिफिकेट में जितना भी टेक्स्ट लिखा है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके बाद ये सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ से सब कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी कि मैंने समझाने की ट्राई यही की थी कि ये जो बंदे ने जिस तरह से अपना रिपोर्ट बनाया था आपको इसी तरह से बनाना है, बट किस तरह से मार्जिन क्या रखना है, पेडिंग क्या रखना है, वो आपको ये वाली PDF है उसमें से लेना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ टैक्स ही बताने के लिए मैंने ये रिपोर्ट दिखाया था। अब चलिए ये मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे नीचे एक्नॉलेजमेंट है, उसमें बाद यहाँ सब कुछ लिखा है कि किस तरह से किसने हेल्प की, और एक थैंक यू लेटर है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है प्रोजेक्ट की समरी, की पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किस तरह से समराइज करना है। नीचे है मेथोडोलॉजी, उसके नीचे है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपने जितना भी लिखना होता है वो आपको यहाँ पे ही सब कुछ दिखा देना होता है कि मेरे प्रोजेक्ट में इस पेज पे ये वाला टॉपिक है। लास्ट में आपने कंक्लूजन लिखा है तो पेज नंबर 55 पे इसका कंक्लूजन है। और मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि एक आइडियल क्या होता है पेज का, वो होता है 25 से लेकर 45 पेजेस का अगर आपका रिपोर्ट होता है तो वो काफी आइडियल मापते हैं। अब दूसरी बात की यहाँ पे टेबल मेंशन किया है तो ऊपर जो टेबल ऑफ कंटेंट में आएगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेबल्स, वहां पे आपको लिखना होगा, ठीक है। सो नीचे नीचे आप पूरा एक बार पढ़ लेना, मैंने अभी भी इसके लिंक नीचे आपको गूगल ड्राइव में अपलोड करके दे रखी है, तो आपको जो भी इसमें से डाउट हो वो वहाँ पे नीचे आप क्लियर कर पाओगे। लास्ट में मैं फटाफट से नीचे चला जाना चाहता हूँ और इसमें मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि इसने यहाँ पे कोडिंग डाला है तो कोडिंग डालने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको कोडिंग डालना ही नहीं है। कहीं पर भी GTU ने ऐसा नहीं लिखा है कि आप यहाँ पे अपना कोडिंग दिखाओ। अगर मान लीजिए कि मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मेरे तो कोड में ही 300-400 लाइन है, और कितने सारे वेब पेजेस है, कितने सारे जो एजेक्स के पेजेस है, JSP के, JSON के, जावास्क्रिप्ट के पेजेस है वो आ जाएंगे, तो कोड डालने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, आप लास्ट में अपना जो प्रोजेक्ट होता है उसका स्क्रीनशॉट जरूर से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलाइए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।